और ये भाजपा और नीतीश जी की तो सरकार 17 साल भी रहे, तो 17 साल बनाम 17 महीने जो काम हुआ, एक विभाग ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग ने एक दिन जो है 70 दिनों के अंदर जो है 2 लाख से भी ऊपर जो है हम लोगों ने नियुक्तियां पत्र वितरण करने का काम किया, ये ऐतिहासिक काम है, किसी भी राज्य में नहीं हुआ। और अब तक हम लोगों की सरकार ने लगभग जो है, जो गवर्नर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनवरी को, तो 3.5 लाख से ऊपर की बात कही उन्होंने नौकरियां दिया, तो किसके राज्य में हुआ, किसका विजन था। तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते, अरे हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया, जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया, तो इतना काम तो हुआ ही है सारा। और आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बातें ये कह रहे हैं इनको खुद भी नहीं पता, हालांकि हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, और हम इतना अपने लोगों को आश्वस्त करते हैं कि ना हम में गुस्सा है, ना हम में नाराज़गी है, हम बड़े संयम रूप से हम लोगों ने गठबंधन धर्म का जो है पालन किया है, और उसी हिसाब से हम लोग आगे जनता के बीच अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी, ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है, अभी इन लोग जो भी करें, लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि जनता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी। और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते